दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति दुख में भगवान का सुमिरन करता है, भगवान की याद करता है, लेकिन यदि वो सुख के क्षणों में भी भगवान को याद करे तो दुख के पल उसके जीवन में कम हो जाएंगे। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपके गुरु मारुकमणि आपका स्वागत कर रही हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आज बहुत विशेष एक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब आने वाले समय को मैं देख रही थी, ग्रहों की स्थिति को देख रही थी, कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें मेरे सामने आई हैं और वही आज आपके समक्ष में लेकर के आना चाहती हूँ। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 सुबह 10:46 से 2:17 तक रहेगा और सूतक इस सूर्य ग्रहण का जो होगा वो 20 जून 2020 9:01 से लेके 2:17 तक रहेगा। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि आपके शहर के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कुछ मिनटों में जो समय है ग्रहण का, उसके कुछ मिनटों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा जो समय है वो इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन अब चिंताजनक जो बात है उसके विषय में बात करते हैं। अब ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है 21 जून को, वैसे तो ये 2020 के साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो कि भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन सभी जगह पर देखा जाएगा। ये जो ग्रहण है मिथुन राशि में होने जा रहा है। मिथुन राशि में होने जा रहे इस ग्रहण के समय मंगल मीन में स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जो कि एक अशुभ संकेत माना जा रहा है। और बहुत ही संवेदनशील जो बात है वो ये है कि इस समय आसमान में 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे, यानी कि शनि, गुरु, शुक्र, बुध, ये चारों उस समय वक्री हो जाएंगे और राहु और केतु तो सदैव से वक्री ही होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 ग्रह उस समय वक्री होंगे और साथ में ग्रहण भी लगेगा, तो ये स्थिति पूरे ही विश्व में उथल पुथल मचाने के लिए बहुत हो सकती है। कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत दे रही है, खतरा दिखा रही है। हो सकता है कोई युद्ध, कोई वॉर हो जाए और जान हान की हानि होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन से ग्रह कब वक्री हो रहे हैं और कब से इनका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। शनि सबसे पहले वक्री होंगे 11 मई 2020 सोमवार के दिन 9:39 सुबह के, इस पर शनि वक्री हो जाएंगे और इनका मार्गी होने का जो समय आएगा वो 29 सितंबर मंगलवार के दिन 10:40 सुबह के, इस दिन जाकर के ही वो मार्गी होंगे। दूसरा ग्रह जो वक्री होगा वो होंगे शुक्र 13 मई 2020 बुधवार के दिन दोपहर के 12:14 पे शुक्र भी वक्री हो जाएंगे और शुक्र जो ठीक होंगे वो 25 जून बृहस्पतिवार 11:17 दोपहर के, इसमें शुक्र फिर से मार्गी हो जाएंगे। तीसरा ग्रह जो वक्री होगा मई में वो है गुरु यानी बृहस्पति 14 मई 2020 को बृहस्पतिवार के दिन 8:01 शाम के गुरु भी वक्री हो जाएंगे और 13 सितंबर 2020 6:11 पर रविवार के दिन पे वो मार्गी होंगे। और चौथा ग्रह जून में जाकर के वक्री हो रहे हैं, बुध जो ग्रह है वो वक्री होंगे 18 जून को बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:29 और मार्गी होने का इनका जो समय होगा वो 12 जुलाई रविवार का दिन 1:56 दोपहर के, इस पे ये वापस मार्गी होंगे। साथ ही आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है बहुत सारी रिसर्च करके, आप इसे अपने दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, अपने जितने भी जानकार हैं, व्हाट्सएप पे लोग हैं, उन सभी को शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए आज के
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। और साथ में जाते जाते यही प्रार्थना मैं करने चाहूंगी कि ईश्वर आपके आपके परिवार की, आपके रिश्तेदारों की, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब की, पूरे भारत की, पूरे विश्व की रक्षा करें। आने वाले संकट से हम सबको बचाएं, चाहे वो संकट आर्थिक हो, चाहे वो संकट किसी महामारी का हो, चाहे वो किसी प्राकृतिक आपदा का हो, चाहे किसी युद्ध का हो। ईश्वर हर संकट से हमें बाहर निकालें, हमारी रक्षा करें। ऐसी मंगल कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज के इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। जय शनिदेव। You know me as Wayne, or you know me as Dr. Wayne. Before I came here, I was already successful. I don't want to lie. That's why I said negativity became positivity, but positivity became more positive. As you know, Ralph Wayne has always been a billionaire. He's always, but now I was at 2. Now I'm saying no, I'm no more there. I'm now at 8, 9, 10. So I'm higher, and even the negative things that were happening, they've gone away. So I would say, experience-wise, 100% super. It comes back again. Come and see for yourself. I would love one time just to maybe have a little workshop. It's just that I'm still convincing my guru. He says he will never leave his Shani Dev here because of they are busy. I said, no, guru, one day, just your presence. We need you in South Africa. We need guru in South Africa because of people they need to understand deeper. Jai Shani Dev.